जी, मैं अपनी गगरेट की देवतुल्य जनता का सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए मेरे लिए वोट किया। उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए वोट नहीं किया और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाया। और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं श्री राकेश कालिया जी का भी जो है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, उनको जो है मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। गगरेट की जनता ने जो है अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी सौंपी है और सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार में जो है वो एक सत्ताधारी विधायक का रोल अदा करने वाले हैं। तो गगरेट की क्षेत्र की जनता के लिए मेरी यही मनोकामना है कि जो कहीं आशाएं और अपेक्षाएं इस क्षेत्र की जनता एक विधायक से रखती है उनके ऊपर वो खरा उतर पाए। और मैं अपने गगरेट क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी का कार्यकर्ता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुहिम में कहीं ना कहीं अपना हिस्सेदारी निभाई है, मेरा सहयोग किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मेरी युवा शक्ति पराक्रम की टीम, हर एक वो व्यक्ति जो मेरे साथ पिछले 4 वर्षों से जुड़ा हुआ है जिसने कहीं ना कहीं, चाहे वो मेरा पहला जिला परिषद का इलेक्शन था, चाहे मेरा विधानसभा का पहला इलेक्शन था और उसके बाद अभी मेरा जो विधानसभा का दूसरा उपचुनाव रहा है, हर एक मुहिम में हर एक कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए मेरे साथ खड़े रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो उतार और चढ़ाव है तो जिंदगी का एक अहम अंग रहता ही है। हर एक जो चुनाव है, हर एक जो एक मुकाम होता है जिंदगी का, वो आपके लिए एक नई लर्निंग, एक नई चुनौती जो है आपके लिए एक नई सीख लेके आता है। ये जो चुनाव का प्रक्रिया रही है मेरे लिए, मेरे को भी इसने काफी ज्यादा जो है नई चीजें सिखाई हैं। और जनता का जो ये मत है ये सर्वमान्य है, सर्वप्रिय है और मैं इसकी फुल जो है दिल के साथ रिस्पेक्ट करता हूं और जो कमियां भी रही हैं उसको भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में भूतपूर्व तरीके से पूरा करेंगे। मैं जनता से ही हूं, जनता के लिए ही हूं, आगे आने वाले भी वक्त में जनता के लिए रहूंगा। हमेशा गगरेट की जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करता रहूंगा। चुनाव जो है 3 साल में फिर से आएगा, मैं रणभूमि में डटा रहूंगा और जनता के हित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जो मुद्दे मेरे को सही लगेंगे उनको आगे बढ़ाता रहूंगा, जो कमियां लगेंगी उनको हाईलाइट करता रहूंगा, जन सहयोग की अपेक्षा करते हुए जनता के बीच में काम करता रहूंगा। सबका धन्यवाद भी करता हूं, एक आगे उज्जवल भविष्य की मनोकामना भी करता हूं। अपने प्रतिद्वंदियों को जिनकी विजय की प्राप्ति हुई है उनका धन्यवाद करता हूं, उनको कंग्रेचुलेट करता हूं, एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। मेरे सारे के सारे मीडिया कर्मियों को विशेष रूप से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट। थैंक यू।